Hey, this is Ruglet about sports. Hello and welcome back to Rugveda about sports and I wish you a happy Olympics day. तो आज टोक्यो ओलंपिक्स को सिर्फ एक महीने का समय बचा है. सो पीपल आर गेटिंग इन दैट ओलंपिक्स मूड. तो चलिए थोड़ी सी ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. सो क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को खेलों और खेलों में भाग लेने के लिए है. इट इज टू मोटिवेट देम टू बिकम देयर बेस्ट सेल्फ्स. इसकी शुरुआत 1894 में हुई और उसी साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना भी हुई. फ्रांस के चार्ल्स पियर डी फ्रेडी इसके पहले प्रेसिडेंट बने और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है. ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन माना जाता है जिसमें 200 से ज्यादा नेशंस पार्टिसिपेशन करते हैं. द समर ओलंपिक्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी फोर ईयर्स. देर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स विच इज पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19 इश्यूज. सो ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर की वजह से इन 1916, 1940 और 1944 में भी कैंसल हुआ है और कोल्ड वॉर के टाइम लार्ज स्केल्स पे बॉयकॉट की वजह से 1980 और 1984 के ओलंपिक्स में भी लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखने को मिला. एंड एज वी नो द 2020 ओलंपिक्स वेर पोस्टपोन अंटिल 2021 एज अ रिजल्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. तो जानते हैं ओलंपिक के सिंबॉल के बारे में. इट इज बेटर नोन एज द ओलंपिक रिंग्स. इट कंसिस्ट ऑफ 5 रिंग्स और ये 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसमें अफ्रीका, द अमेरिकाज, एशिया, यूरोप और ओशेनिया मौजूद है और ये रिंग्स को जोड़कर बनता है ओलंपिक्स का फ्लैग. ओलंपिक का मोटो सिटस एल्टियस फोर्टियस एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर. इस मोटो को 1924 के एंटवर्प ओलंपिक्स से यूज किया जाता है. अब जानते हैं ओलंपिक प्रोग्राम के बारे में. द ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ 35 स्पोर्ट्स, 30 डिसिप्लिन्स एंड 408 इवेंट्स. फॉर एग्जांपल, रेसलिंग इज एन समर ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसमें 2 डिसिप्लिन्स होते हैं, ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल. इसे हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो इसमें 14 इवेंट्स होते हैं फॉर मेन और 4 इवेंट्स होते हैं फॉर वुमेन. वैसे सभी स्पोर्ट्स को देखा जाए तो एथलेटिक्स, स्विमिंग, फेंसिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स केवल यही 4 स्पोर्ट्स हैं जो हर समर ओलंपिक्स में मौजूद थे और यही स्पोर्ट्स है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स दांव पे होते हैं. टू टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज, अमेरिका ने अब तक 1000 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और सेकेंड स्पॉट पे सोवियत यूनियन है जो अब रशिया और अन्य देशों में टूट गया है. टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया हैज वन 9 गोल्ड, 7 सिल्वर्स एंड अ टोटल ऑफ 28 मेडल्स इन द ओलंपिक्स. अब जानते हैं मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियंस के बारे में. अमेरिकन स्विमर माइकल फिलिप्स ने 23 गोल्ड के साथ कुल 28 मेडल्स जीते हैं. टू पुट दैट इन अ पर्सपेक्टिव, ही हैज वन द सेम नंबर ऑफ मेडल्स एज इंडिया. सेकेंड नंबर पे आती है लेरिसा लैटनिना जो सोवियत यूनियन की जिम्नास्ट है. उन्होंने 9 गोल्ड के साथ कुल 18 मेडल्स जीते हैं. टू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का रिकॉर्ड ओलंपिक्स में कुछ खास नहीं है. टू नो मोर अबाउट इंडियाज हिस्ट्री इन द ओलंपिक्स, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक अबाउ. So this is all the basic information you needed to know before the Olympic Games begin. अगर आपको Olympic Games में दिलचस्पी है तो please subscribe to my channel Rugved About Sports, क्योंकि मैं आज से full Olympics का coverage करने वाला हूँ and you will get to know about each and every detail about the Olympics. So please subscribe to my channel Rugved About Sports, like this video and I will be back with the Olympic updates. Thank you. Roger it, Roger it.